कस्टर्ड का स्वाद बढ़े इसमें क्या डालें ऐसा कि जो बहुत ही टेस्टी लगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि मैं कस्टर्ड बनाती हूँ और कस्टर्ड में ऐसी कौन सी चीज़ डालूँ कि जिससे कि कस्टर्ड का स्वाद भी बदल जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता और सेहत से भरपूर होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अभी मैंने इसमें चीनी डाल दिया, दूध मैंने उबाल दिया था और चीनी डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार जैसे कि आपको चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड जो मैंने निकाला था उसको मैं घोलूँगी। कस्टर्ड घोलने के लिए हमेशा रूम टेम्परेचर का दूध ही लेना चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा फ्रिज वाला और ना ही गर्म दूध लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि कस्टर्ड में गुठलियाँ हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ये कस्टर्ड है वो घोल दिया है। उसके बाद मैंने जो उबला हुआ दूध है उसमें मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी डालने से दोस्तों हमेशा दूध पतला हो जाता है, ये हमेशा ऐसा होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने दूध अच्छे से पका दिया है और कस्टर्ड बना ली थी मैं। कस्टर्ड तो सभी को आता होगा लेकिन ऐसी क्या चीज़ बनाऊँ मैं, क्या चीज़ डालूँ मैं इसमें कि जो कि इसका स्वाद भी बदल जाए और ये बहुत ही अच्छा बने दिखने में भी और खाने में भी। तो पहले तो मैंने इसमें कस्टर्ड दो बार डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके, इकट्ठा नहीं डाला, और डालते ही मैंने इसको घुमा दिया ताकि ये पतीली की तली पे ना लगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये अच्छे से पका दिया है और कस्टर्ड को इतना पकाना है कि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है जब हम कस्टर्ड में फ्रूट डालते हैं ना तो कस्टर्ड पतला हो जाता है, क्योंकि फ्रूट से भी कुछ जो फ्रूट का जो जूस होता है वो निकलता है। तो यहाँ पे अच्छे से ये पक गया था जितना हमें चाहिए। इसको मैं एक डोने में निकाल दूँगी, क्योंकि जिस पतीली में बनाया है उसे मैं नहीं रखूँगी, डोने में रख दूँगी। और इसके बाद दोस्तों मैं इसको ठंडा होने दूँगी। तो ये ठंडा हो गया था, ये पतीली में ही ये ठंडा हो गया था। तो मैं जब ठंडा हो जाता है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे कस्टर्ड आ जाता है तब मैं इसमें जो कटे हुए फ्रूट हैं, यहाँ पे मैंने आम लिया है और सेब लिया है और अंगूर लिए हैं, तो तीन फ्रूट डालूँगी मैं इसमें। आप चाहें तो तीन चार जितने भी आपके पास फ्रूट हैं आप उतने फ्रूट डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी तीन ही थे तो मैंने ये डाल दिए हैं और यही तीन फ्रूट मुझे कस्टर्ड में अच्छे लगते हैं। बाकी तो जैसे पपीता भी डालते हैं लोग और केला डालते हैं, लेकिन मुझे ये तीन ही फ्रूट ज़्यादातर कस्टर्ड में अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी बिल्कुल ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों अब कस्टर्ड को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब मैंने ये दिन में बनाया था तो ये रात का समय है अब। तो कस्टर्ड अब मैं सर्व करूँगी और इस जब मैं सर्व करूँगी कस्टर्ड को उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे कि कस्टर्ड का स्वाद दुगना हो जाएगा। और वो क्या चीज़ है तो अभी मैं इस यहाँ पे कटोरी में मैंने ये निकाल दिया है। दोस्तों मुझे हमें मतलब कि हम सभी को कस्टर्ड इसी तरह चाहिए होता है। तो अपना अपना स्वाद है, किसी को गाढ़ा चाहिए होता है, किसी को पतला चाहिए होता है। तो मुझे ठीक ठाक जो न ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो, जो कि खाने में भी अच्छा लगे। तो दोस्तों इसके बाद में इसको जब हम खाने के लिए इसको बच्चों को या परिवार में किसी को दें उसके ऊपर हम एक चम्मच शहद डाल दें तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। शहद हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है और शहद आप लोगों को मतलब कि ये सर्दी जुकाम के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि सेहत पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है ये। तो दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और आज की वीडियो एक छोटी सी थी तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।